तो यार गाइज आज इतनी जल्दी जल्दी मैं निकला हूँ ना घर से, अब मैं क्या बताऊँ आपको। रियली यार गाइज मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था पर जो मेरा गोप्रो है ना गाइज रियली ऑफ हो गया था चलते चलते। तो गाइज अब अपन ने पावर बैंक लगा लिया अपने गोप्रो को चार्ज करने के लिए। एंड गाइज आज मैं बहुत अच्छे मूड से आऊँ। एंड गाइज आज होने वाले अपने भोपाल के मोटो ब्लॉगर और कुछ ब्लॉग वाले चैनलों वालों से मीटअप होने वाला है गाइज अपना। तो गाइज भाई लोगों का मैं वेट ही कर रहा हूँ। एंड गाइज दो से तीन चैनल हैं तो गाइज उन लोगों ने भी मुझे मैसेज करा था। एंड गाइज मुझे भी मिलने की उनसे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि नहीं यार भोपाल से कोई हो जो मेरा भी सपोर्ट करे यार, हमारी भी एक टीम हो चार से पाँच लोगों की, जैसे कि गाइज अदर ब्लॉगर्स की रहती है कि वो हर चीज़ टीम के साथ करते हैं, कहीं भी जाना होता है तो टीम के साथ जाते हैं। एंड गाइज आप लोगों को पता है कि मैं अकेला कहीं भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तीन से चार लोगों की ज़रूरत होती है गाइज हमेशा। और गाइज अब बात ऐसी कि मैं और राज हूँ सिर्फ अकेले, और राज के पास भी गाड़ी है तो वो थोड़ी नॉर्मल टाइप की है, तो गाइज इसलिए अपन कहीं बाहर नहीं जा पाते। तो लगता है भाई आ गए। अरे भाई भाई, अरे भाई 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 तो भाई फाइनली मिली गए भाई, मिली गए। कब से वेट कर रहा हूँ? नहीं एक्चुअली में पता है तू यकीन नहीं मानेगा भाई, मैं कब से वेट कर रहा था, मैं यहाँ भोपाल आने के लिए तरस रहा था बहुत टाइम से कि मैं यार भोपाल आ जाऊँ, सही बात मिलना था यार, सही बात भाई। अरे मेरी भी वही वाली बात थी यार, कसम से भाई कब से अपन मिलने का चल रहा है अपना। वो यार एक्चुअल में पता क्या, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बताया, उसके बाद मैं आज रेस्ट पे था इसलिए मिल पाया। सही बात, सही बात है यार भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यार मिलके कसम से। और यार अपने ऐसे भोपाल से बहुत सारे राइडर हैं बट यार कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन भाई ने एक बार में रिस्पॉन्स करा था और हम लोगों ने फाइनली गाइज आज कोलाब कर ही लिया है मिलके। भाई सीरियसली मैं बताऊँ, मैं काफ़ी यूट्यूबरों से कॉन्टेक्ट किया बट कोई भी यूट्यूबर रिस्पॉन्स नहीं करता यार, पता नहीं क्यों यार। यार शायद हम छोटे कंटेनर, हाँ यार कंटेंट क्रिएटर हम छोटे हैं, लेकिन यार वो बात ऐसी है कि यार एक फील भी रहता है कि नहीं यार हम भोपाल से हैं तो पूरे अपन को ब्लॉगर और जो राइडर है मैं तो सब जानने चाहिए। मैं दिल से भोपाल से जुड़ा हूँ और भोपाल के लिए कर रहा हूँ। सही है, और भाई अभी भी हैं और कभी भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे, राइड करेंगे तो साइड में करेंगे, क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ? अपन ट्रिप प्लान करेंगे बहुत जल्दी यार। वही गाइज हम लोग की क्या ट्रिप प्लान भी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को बोला था दो तीन राइडर जिस दिन मुझे मिल गए ना उस दिन एक लंबी ट्रिप हम लोगों को लगा ही देनी। आज मैं बिना हेलमेट के दोस्त की गाड़ी, तो गाइज देखो भाई मिलने गए उससे जल्दबाजी में ये वाली गाड़ी लेके आ गए। और दोस्त आ रहा है अपना, एक और दोस्त आ रहे हैं, मतलब एक और ब्लॉगर है, अच्छा वो ब्लॉगर है। तो गाइज आज एक ब्लॉगर ही मिलने वाला है आपको, रियल वाला। अरे भाई आ गए, तो भाई एक ब्लॉगर भी शामिल हो गया अपनी टीम में अब। कैसा है भाई? और भाई कैसे हो? तो भाई भाई ब्लॉगर है अपना, तो गाइज जिसको बोलते हैं रियल तरीके वाला ब्लॉगर, गाइज अपन ब्लॉगर नहीं अपन मोटो ब्लॉगर है। भाई मैं ये मीटअप प्लान कब से कर रहा था यार, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई आने में? अपना घर यही है। और बाकी आपको भाई तबीयत तबीयत तो बस ठीक है ना? पहले यहाँ से यहाँ उठ रहा है, यहाँ से यहाँ उठ रहा है। अरे यार भाई नहीं काफ़ी अच्छा लगता है यार भोपाल वालों से मिलके, कसम से सुकून टाइप का मिलता है। आपके अपनी भी एक आगे जाके एक अच्छी सी टीम होगी, गलत बोल रहा हूँ भाई। भाई 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 ये इस बंदे को जरूर सपोर्ट करो, पहला ऐसा बंदा मिला है जो मोटो ब्लॉगर है जिसमें जीरो एटीट्यूड है, जस्ट वन कॉल पे बंदा आ गया। बस भाई भाई लोगों का मानना है यार, भाई लोगों को भी बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। रिशु भाई भी भाई मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन भाई रियली ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई से मैं पहली बार मिला हूँ, और भाई की तो फिर बात ही अलग है। क्लासी मोटर बॉय भोपाल से है भाई, सारे भोपाली प्यार। भाई का भी है भाई द MP04 भोपाली, और भाई का भाई अच्छे से बोल देना एक बार, ऋषि नेशन नाम से। तो यार आगे ले जाना है बंदों को, और गाइस डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो गाइस वहाँ से अगर आप दोनों चैनल पे विजिट कर सकते हैं। एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोनों भाई का बहुत अच्छा चैनल है। एंड गाइस रियली बहुत मेहनत कर रहे हैं यार अपने अपने चैनल पे। भाई कितनी वीडियो डाल चुके हो अभी तक? और वीडियो यार अप्रोक्स 50 प्लस डाल चुके हो भाई, 50 से ज्यादा 50 प्लस वीडियो डाल चुके हैं। तो और भाई आप कितनी वीडियो डाल चुके हो भाई? 100 प्लस। भाई 100 प्लस वीडियो डाल चुके हैं भाई। भाई डेली व्लॉग में क्या है यार, एक काम करो मेरी बात सुनो, धूप ज्यादा हो रही, धूप ज्यादा हो रही, अपन चलते हैं। आज बताओ ये आखिर क्या फंडा है, ऐसो रेसो सारा YouTube का फंडा क्या होता है? सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे भाई, तो चलते अपन अभी छाया पे कहीं ना। चलो 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 रिशो भाई चलो। तो गाइस चलते अभी अपन कहाँ, सेर सपाटा साइड ही चलते हैं ना भाई, सेर सपाटा। तो गाइस चलते हैं सेर सपाटा भाई, देखो ठंडी पड़ जाती है यार आज। तो गाइस यहीं से मोड़ लेते हैं। सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दुझे रब की कोई खोज नहीं।
सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। आएगा भाई अपना भाई बिल्कुल देखना चाहेंगे यार हम भी सेटअप किसके टाइप है। गाइस गाड़ी ओवर हो गई अपनी, तो गाइस यहाँ ले जाएंगे अपन पानी के अंदर ले आएंगे और गाइस सीधे गाड़ी धुल देंगे अंदर ले आके, सीधे अंदर ही ले जाएंगे। तो गाइस दो गाड़ी अपनी ये खड़ी हो गई है, एक गाड़ी वो अपनी पीछे खड़ी हुई है। बहुत धूप हो रही है गाइस, रियली बहुत धूप हो रही है। क्लासी मोटर वर्ल्ड, मोटर वर्ल्ड ना मोटो वर्ल्ड, मोटो वर्ल्ड, हाँ मोटो वर्ल्ड, मोटो वर्ल्ड। मैं शूट कर दूंगा ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस भाई की पहले शूट कर देते हैं फिर करेंगे अपन ब्लॉग। मेरे पास सारा सेटअप है। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम क्या, मुझे कुछ आता नहीं है यार, उतना यूज कर नहीं पाया। अच्छा, यूज करने के लिए आता नहीं है। ये रखो आप अपने पास रखो, देखते जाओ बस। तो गाइस प्रो 3.5 mm का माइक एडेप्टर भी है, एंड गाइस ये बोया का ये MM1 भी है, जो अपन ज्यादातर दिखाते हैं। एंड गाइस देखो कुछ इस टाइप का सेटअप रखा हुआ है भाई का, यही जो माइक आप यूज, जो कैमरा आप यूज कर रहे हो स्वयं ऐसा ही होता है। तो अरे मैं आपसे ये पूछ रहा था, तो जो इसमें वाला माइक फंस जाता है एक्चुअल में, ये जो मैंने लिया ना हाँ, गया अटैचेबल है, एडाप्टर पहले इसमें कनेक्ट करना है, एडाप्टर कनेक्ट करना है, ठीक है ठीक है। उसके बाद ये जो माइक इसमें लगा है, इसके ठीक है ठीक है, ये माइक इसमें कनेक्ट होगा तब वॉइस क्वालिटी ज्यादा बेटर होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो फिर इसका इनबिल्ट वाला माइक बंद हो जाता है, इनबिल्ट बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। माइक अपन अलग से लगाएंगे ना उसका साउंड, इसमें नॉइस कैंसिलेशन वगैरह लगता है, नॉइस कैंसिलेशन जो आपका जो हेलमेट है ना उसके चिन पे आप माइक फंसा लो, चिन पे माइक फंसा लो, उसके बाद साउंड जो विंड ब्लास्ट है, विंड ब्लास्ट नहीं आएगा, बंद करके भी इजीली कर लो। अभी वाइजर आपको खोलना, हां वाइजर खोलना पड़ता है, सही बात है। तो गाइस काफी सेक्सी लग रहा है यार GoPro, देखो अपने ऐसा ये सेम GoPro 9 हीरो है ना भाई, एक बार केक खा चुका, एक बार केक खा चुका है बर्थडे पे। लो गाइस देख लो केक वगैरह, थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल कर दी भाई ने उसकी, लेकिन गाइस एकदम फ्रेश कंडीशन पे। गाइस कुछ माउंट वगैरह मिल जाएंगे इसमें, और गाइस ये GoPro की जो ओरिजिनल केबल है ना, जो भी पहली बार यूज कर लो ना इससे चार्ज करना मेरे भाई, जल्दी चार्ज होता है इससे पता है। तो गाइस देखो ये माउंट वगैरह भी हेलमेट में इस टाइप का लग जाता है, तो बहुत प्यारी एक्सेसरीज है। एंड गाइस बहुत बहुत मेगा है गाइस, रियली जो इंसान लेता है ना सिर्फ उसको ही पता होता है। ये कितनी कॉस्ट पड़ी थी भाई जब भी आपको इसकी? एक्चुअल में यार मुझे ये पूरा कंप्लीट सेटअप लिया था मैंने, कैमरे के साथ में ये ओलेंजी का केस जो था सब मिला के मेरे को करीब 40-41 पड़ गया था। तो गाइस भाई को 41 का पड़ा था, और गाइस मैंने एक्सेसरीज मिला के मुझे 46-46 हजार रुपए का पड़ा था पूरा का पूरा। आपका कौन सा गाइस? मेरा GoPro हीरो 9 है भाई, ब्लैक, और उसके साथ मैंने ली थी किट, ली थी पूरी GoPro की किट ली थी, और बाकी इसके यार जो GoPro रहता है ना मिनी आईफोन जैसा भाई, इसके 400 रुपए के तो ग्लास ही है, 600 रुपए का कवर है, वैसी बात है यार, क्या बताएं यार। अब डिस्कशन चल रहा है, तो भाई देखो जब एक यूट्यूबर दो यूट्यूबर से वही यार भाई, तो कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है, तो अपने भाई लोगों से मिले। ये हमारे DMT04 भोपाली, और भाई का तो मुझे नाम ही याद नहीं होता भाई, मेरा नाम रुद्राक्ष है भाई, और मेरा क्लासी मोटो वर्ल्ड नाम से चैनल है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई के चैनल को भी, भाई के चैनल में नाम लिखा है क्लासी मोटर वर्ल्ड। तो गाइस देखो अपनी गाड़ी पे भी लिखवा लिया अपन ने, बहुत दिन से अपन सोच रहे थे, तो अपन ने गाड़ी पे भी लिखवा लिया गाइस अपनी। चलो चलो भाई फोन से व्लॉगिंग, थोड़ा प्रोफेशनल डिस्कशन करते हैं, हम मिलते हैं 2 मिनट बाद। 5 minutes later भाई आ जाओ, साल भर हो गया भाई आपको, होने वाला मार्च लगी गया। अच्छा, मुझे एक साल हो जाएगा, तो अभी क्या थोड़ा सा एकदम से चैनल ग्रो होता है ना कि यार 30-40-50 सब्सक्राइबर भी गेन हो जाते हैं, सही बात, आपकी वीडियो 1K तक जाने लगती है, तो आपको एक अलग से अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, कि नहीं यार करो, कोई सपोर्ट में, हाँ कोई सपोर्ट में, तो वो चीज अपन ने करी, तो अपन क्या रुक नहीं रहे भाई, अब कर रहे हैं, एक अल्टरनेट डेज में डाल रहे हैं, एक सही बात है भाई। कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा डे जिस दिन लगाओ कि नहीं यार क्यूट दिस डे यूट्यूब,
आज के दिन लास्ट है। बहुत बार लगा ऐसा, एक बार नहीं मतलब साल भर में कई बार ऐसा आया कि नहीं छोड़ दो, लास्ट डे है, लास्ट डे अब हो गई, लास्ट व्लॉग था, लास्ट टाइम कुछ नहीं। तो यार कभी ये चीज तो ऐसा पता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, क्या इशू की जैसे तुम ब्लॉगिंग बना रहे हो, मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो अब मैं ब्लॉग भी बनाता हूं, मोटो ब्लॉग भी बनाता हूं, तो यार हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। सही है यार, नए क्रिएटर है, हमें इतना आइडिया नहीं रहता कि हमें करना क्या है ना? सही बात, तो हम जस्ट अपलोड कर देते हैं। पर यार कई बार ऐसा होता है कि वीडियो पे मान लो कभी मात्र 10 व्यू आए, क्योंकि हम शेयर भी नहीं करते। सही बात है, कभी 10 व्यू आए, कभी 20 आए, मैक्सिमम कभी 100 गया तो बहुत खुश होंगे। सही बात है, जब व्यू नहीं आते ना तब हम डिमोटिवेट हो, हम सोचते हैं कि यार अब कर देते हैं, अब बस यार क्यूट कर दो, अब कितना इंसान। और यार मेन बात ऐसी रहती कि अपने जो आसपास का इन्वायरमेंट रहता है ना गाइज, मैं अपना ही आपको बताऊं गाइज, कितना बेकार इन्वायरमेंट है ना मेरे साथ में भाई। कम से कम मेरे मोनेटाइज होने के बाद मेरे से आधे लोगों ने बात करनी छोड़ दी है, अब तुम सोचो किस लिए, जेलस में बस। सुनो तो पता है, हाँ मिडिल क्लास वाले, सही बात है भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड गाइज अभी भाई एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, भाई के पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है, इतना खास कैमरा है, जब भी भाई डेली ब्लॉग कर रहे हैं तो गाइस कंडीशन देख सकते हो आप अभी भाई के मोबाइल की, मतलब देखो यार जॉइंट करवाई इसके डिस्प्ले अपने आप, अभी देखो गाइस अभी डिस्प्ले जॉइन करवाया भाई ने, मेरी पुरानी वीडियोस जा गई ना फोन है भाई का, पता है रुद्रा ये पता है ब्लॉगिंग कर रहा था इसको बेसिक सी चीजें भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। सही बात है, उसको ऐप नहीं पता, उसको माइक के बारे में, बाइक के बारे में तक नहीं पता। सही बात, अगर हम नहीं मिलते तो शायद बिल्कुल छोटे क्रिएटर हो, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, सपोर्ट करो एक दूसरे, सपोर्ट करो भाई, हम बहुत जल्दी ही ना एक ट्रिप प्लान करने वाले हैं। वही वही जो भी हमसे मिलेगा, ट्रिप कहाँ की प्लान करेंगे? तो गाइस बहुत दिन से मैं बात करने वाला था, तो गाइस अपन पंचमढ़ी की ट्रिप प्लान करने वाले हैं, तो बाकी भाई बताएगा, तो भाई क्या कैसा करना है पंचमढ़ी फिर अपन को? देखो पंचमढ़ी के लिए अपन एक काम करेंगे, अपन प्लान करेंगे, ठीक है, थोड़ी टीम बढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है, टीम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, बढ़ानी पड़ेगी टीम, हाँ थोड़ी सी टीम बढ़ानी पड़ेगी, फिर अपन यहीं से इकट्ठे होके सब चलेंगे, यहीं से इकट्ठे होके चलेंगे, और पचमढ़ी की ट्रिप अपन सीधा हो, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि गाइज हम लोग जो ब्लॉगर है ना मोटो ब्लॉगर, तो गाइज हम लोग इतना व्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो गाइज हमारे पास व्यू रिकॉर्ड करने के लिए सबसे सही बंदा रहेगा ब्लॉगर, गाइज हर एक जगह का व्यू मिलेगा अपन को, एक और पॉइंट व्यू से याद आया, व्यू से याद आया, हां लिंक कुछ हिट होगी, हां वो भी आपको मेरे व्लॉग में गाइज पूरा देखने के लिए। अब देखिए गाइज हम लोग के बैक साइड, अब मेरे कुछ बैक साइड हो रहा है ना आप नहीं देख सकते, वही मैं कहने वाला था, जाऊंगा तो बैठ के जाऊंगा, क्योंकि मुझसे इतनी लंबी ट्रिप गाड़ी के बनेगी नहीं, मैं चला भी नहीं पाता। और भाई हम भाई को बिठाल के लिए जाएंगे, हमको हर जगह का व्यू चाहिए भाई से, पंचमढ़ी के एक एक जगह का, पता है मैं वही कहने वाला था, जैसे अभी सिंगल ये ब्लॉगिंग कर रहा है, सिंगल मैं कर रहा हूँ, सही बात है, तो उसमें पता क्या होता है, हम सामने का तो सब कुछ दिखा देते, पर हम खुद को नहीं दिखा पाते, वही वही वही। अब भाई हम हमारे साथ क्या हिट हो रही है, हम वो नहीं दिखा पाते, तो यार गाइज वो बिहाइंड द सीन होते ना तो भाई बहुत अच्छे रिकॉर्ड कर पाएगा। एंड गाइज बहुत मजा आने वाली है पंचमढ़ी ट्रिप पे। लास्ट थिंग मैं तुम लोगों को सबको शेयर करना चाहता हूँ, हम छोटे ब्लॉगर हैं, बड़े ब्लॉगर फुल टू टीम लेके चलते हैं, सही बात, वो दिखता सिंगल बंदा सिंगल, एक्चुअल में वो सिंगल होता नहीं, होता नहीं है, ये तो रियलिटी है भाई। देखो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम कितना भी आगे चले जाए तीनों, आज हम तीनों खड़े हैं, मेरा भाई लक्की, हम चारों कभी भी आगे कितना ही आगे चले जाए, आप लोग बोलोगे कि भाई मिलना है, जिस प्लेस पे बोलोगे जहाँ बोलोगे वहाँ आके आप डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हम भाई कोई जस्ट वन कॉल पे आए भाई, डाउन टू अर्थ वाले इंसान है यार हम, ऐसे कोई आप लोगों की तरह ही है भाई, कि यहाँ पे उठे यहाँ बैठे यहाँ से, वही, मतलब भाई, वही, जमीन से जुड़े हुए इंसान है, वही भाई तुम लोगों ने उठाया तो यार तुम लोग को कहाँ छोड़ के जाएंगे, बस मेन बात वही आती है। तो यार सब कुछ करना जिंदगी में, तरक्की करना, लेकिन यार कभी एटीट्यूड मत लाना। गाइस फोन आ रहा है, ये मीटअप हमें यही फिनिश करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, और रुद्रा बहुत जल्द हम पचमढ़ी की, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमारा ब्लॉगर रहेगा, ब्लॉगर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यार टाइम भी बहुत हो गया और भाई का भी कॉल आ गया है, तो पंचमढ़ी की ट्रिप हम लोग कब रिवील करेंगे भाई, 2 से 3 दिन में गाइस रिवील कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं रिवील नहीं कर रहे, हाँ डेट का कुछ इशू है, हमें भी, मुझे भी काम है, भाई को भी थोड़ा सा काम है, लोगों को पर्सनल, मेरा भी गाइस अभी थोड़ा स्टूडियो का वर्क चल रहा है, और हमारा जो कुछ एक मेरे भाई का मेन चैनल है तो उसके भी शूट की दिक्कत, उसकी भी थोड़ी शूट की दिक्कत चल रही है, तो बस गाइस भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा रिवील करने में, लेकिन गाइस प्लान हमारा परफेक्ट पंचमढ़ी का ही रहेगा, ट्रिप तो बदलेगी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो गाइज अब निकलने का भी टाइम आ चुका है, एंड गाइज भाई बहुत दूर से आए हैं, और भाई भी बहुत, भाई सुन लेना भाई की बात, वन मोर थिंग, सब लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ,
कि भाई देखो आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख लोगे पर सीरियसली थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, आप इनसे जुड़ो। सही बात, भाई को कभी भी टैक्स करो डायरेक्ट इंस्टा पे, आपको वन जस्ट वन मैसेज पे आपको रिस्पांस मिलेगा। वही भाई, ओ भाई प्लीज यार सपोर्ट करो हम लोगों को, आपके सपोर्ट की बहुत भाई। एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि तेरे 13 के हो गए 50 के हो गए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का नहीं करे कि तू हमारे मैसेज का, मैं तो छूट बात बोल रहा हूँ भाई, कि तू हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं था। मेरे भाई मेरी जान मेरे से सुन लो, मैं अभी फोन खोल के दिखा सकता हूँ, मेरे पास 15-16 के की आईडी है, तुम मैसेज देखोगे ना तो बहरा जाओगे भाई। ये फेम का नाटक करते हो ना यार, तुम साला 50-40-40 के में तो तुच्छी हरकतें करना छोड़ दो यार, क्या बोलूँ हमें, ये रियली तुच्छी हरकतें हैं। देखो इंसान के पास आ जाता है घमंड, घमंड आया और हमारे में नहीं है भाई। करीबन 10 दिन हो गए मैंने उसकी आईडी से, सही बात है, 13,000 मैसेज सीन करें, 13,000 मैसेज सीन, आप सोचो भाई 13,000 दिन में 13,000 मैसेज सीन करें कोई छोटी बात नहीं है, मायने रखता है। तो गाइस अब जाने का भी टाइम आ चुका है, चलो चलो। हाँ यार भाई नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू दादा, चलो निकलते हैं, चलो चलने का टाइम, जाने का टाइम। तो गाइस ब्लॉग अपन को भी अब एंड करना पड़ेगा, तो यार बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, चलो। हाँ भाई चलो चलो, मोड़ लो गाड़ी। तो गाइस गाड़ी